बारे में जानकारी प्राप्त की, आज हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो शब्द शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय के भेद दो भेद है, प्रत्यय के कृत प्रत्यय तभी प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय धातु में जुड़ करके संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि धातु के साथ औ प्रत्यय लग करके टिकाऊ शब्द बन जाता है। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा होता है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नंबर दो तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु से भिन्न किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण जैसे मूल शब्द है लड़ प्लस आई लड़ाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, ये प्रत्यय लगे हुए हैं और ये मूल शब्द है। उड़ प्लस आन उड़ान, लग प्लस आन लगान, मिल प्लस आ मिला, विल प्लस आ विला, बहा प्लस आओ बहाओ, फैल प्लस आओ फैला, लिख प्लस आवट लिखावट, थक प्लस आवट थकावट, बोल प्लस ई बोली, हंस प्लस ई हंसी, चल प्लस ने चलन, दे प्लस ने दे, क्री प्लस अवैध कर्तव्य, घेर प्लस आ घेरा, गबरा प्लस आहट घबराहट, खेल प्लस होना खिलौना, चुन प्लस होती चुनौती, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, पी प्लस पास प्यास, दया प्लस आलू दयालु, घट प्लस किया घटिया, पालन प्लस भार पालन भार, लिख प्लस आ वाला लिखने वाला, पी प्लस अक्कड़ पियक्कड़। इस तरह से ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। कल हम अधिक प्रत्यय के उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।